नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीइंग टेक्निकल इंडियन की नई वीडियो में। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हम बहुत बड़ी न्यूज लेके आए हैं आपके लिए। दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया था दोस्तों एक SBI के डेबिट कार्ड वाले मामले को, जिसमें जो है जो पुराने SBI के डेबिट कार्ड है यानी ATM कार्ड है, उन्हें बदलकर नया SBI का डेबिट कार्ड लेने की जरूरत है, क्योंकि जो है SBI के ATM कार्ड बदले जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में बहुत से लोगों की पूछताछ यह है कि हम जब जाके बैंक में पता कर रहे हैं तो ऐसा वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ न्यूज नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप SBI के ट्विटर अकाउंट पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 अगस्त का ट्वीट है, इसको जो है आपको यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है यहाँ पे, डियर कस्टमर इट्स टाइम टू मेक अ शिफ्ट एज पर RBI गाइडलाइन यू रिक्वायर्ड टू चेंज द मैग्नेटिक डेबिट कार्ड टू EVM चिप डेबिट कार्ड्स बाय द एंड ऑफ 18। तो 2018 के एंड तक उन्होंने कहा है कि जो है ये मैग्नेटिक जो डेबिट कार्ड है उन्हें बदलकर जो है EVM डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड को बदलकर दूसरे ATM कार्ड में बदला जाएगा, जो कि EVM वाले होंगे। अभी मैग्नेटिक पट्टी जो आपके ATM कार्ड के पीछे जो काली रंग की पट्टी लगी रहती है उसको बदल के जो है EVM कार्ड में बदला जाएगा। ये जो है 2018 के एंड तक पूरा करने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, यदि आप जाकर बैंक में पता कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मुझे बैंक को इस तरह से कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो बिल्कुल हो सकता है जानकारी न हो, क्योंकि अभी तक इस मामले को जो है 2018 के एंड तक करने की पूरी जो है प्रक्रिया रखी गई है, तो शायद अभी उनको जो है हिदायत नहीं दी गई हो। लेकिन जो है ये होना है 2018 के एंड तक इसको होना है और ये काम होके रहेगा जो है, इसको कार्ड को बदलना है। यदि आपने अभी वो न्यूज नहीं पढ़ी है तो इस वेबसाइट की मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद वहां पे आके जाके पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या क्या मामला है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है जो ATM कार्ड बदलने वाला मामला है, तो वहां पे आके पढ़िएगा जरूर, या ट्विटर अकाउंट पे आप देख सकते हैं SBI के 10 अगस्त का ट्वीट भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज के ये निकल के आ रही है दोस्तों, जो जनधन अकाउंट होते हैं उनमें जो है 50 लाख अकाउंट को बंद किए जाने की जो है न्यूज आ रही है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सदन ने वित्त मंत्रालय में बताया सरकार ने बंद किया 50 लाख जनधन खाते। तो जनधन खातों के जो है यदि आपने जो है लेन देन नहीं कर रहे हैं, वो जनधन खातों में जो है आपकी कोई वो नहीं है, तो आपकी जो है जनधन अकाउंट बंद हो सकता है, क्योंकि जो है यदि आपको जीरो बैलेंस जनधन उसमें है तो आपको आपका जो है बंद हो सकता है। तो ये जो है न्यूज दूसरी न्यूज थी जो जनधन अकाउंट बंद करने वाला मामला यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जिसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें 4 जनधन लाके बंद कर दिए, इनमें करीब 50% खाते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान की सरकार ने बताया। देश भर में करीब 31 करोड़ जनधन खाते हैं, जिनमें से 24.6 करोड़ खाते ही ऑपरेशनल खातों में खाताधारक को 24 महीनों में लेन देन किया है। तो मतलब यदि आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं जनधन खाते में, बिल्कुल वैसा पड़ा हुआ है, तो बंद हो जाएगा जो है आपका जनधन खाता। यदि आप चाहते हैं बंद ना हो तो बिल्कुल उसमें कुछ ट्रांजेक्शन करिए, 1000 2000 500 का उसमें पैसे निकालिए या डालिए। ये दूसरी बड़ी न्यूज आपको थी मुझे बताना, तो यही उम्मीद है से कि आप जो है ये अच्छी पसंद आई होगी। यदि आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। एक नए वीडियो साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।